ए दीदी ये नानी 10 से 15 दिन कर बिलाती कर पौधा लगे देखी तो। ए दीदी खुरपी से नहीं हम इन्हें अच्छा तरह से बिलाती कर गांछी के उखड़ाबे। हाँ दीदी कि हम इन्हें अच्छा तरह से जड़ के उखड़ाबे नहीं तो टूट जाते तो खराब हो जाता है। देखी गांछी ए दीदी बिलाती कर गांछी के तो हमें उखड़ा लिया अभी कर जड़ के नहीं हम इन बीजा अमृत में आधा घंटा डुबा के रखबे। अच्छा दीदी एकर से का फायदा है? एकर में माटी से जो रोग होयला से दूर होयला और फफूंद से भी बचायला ये वाला बीजा अमृत कर ले। ई तो हो गेलो बीजा अमृत तो चल अब हम तो के खेत कैसन तैयार होयला से के बता देबो। हाँ तो ठीक चल। दीदी 2 बार नहीं जोताई करे के पड़ता ओकर बाद फिर एकर में जितना खर पतवार हो सके निकला देवे के पड़ता ओकर बाद फिर वहाँ गोबर डाले के पड़ता। गोबर डाले के बाद अगर तोर 10 डिसमिल जमीन हो नहीं तो यहाँ 100 किलो गोबर में 10 किलो घना जीवामृत मिला के तो डाल सकीला खेत में। ये घना जीवामृत मिट्टी कर शक्ति के बढ़ाएला और पौधा के बढ़े में सहायता करेला। अच्छा दीदी अब पौधा रोपे ले मेड़ तैयार करबे। ठीक हो दीदी। सबसे पहले दीदी दूरी नापबे और मेड़ बनाबे। ये देखी दीदी 2 फीट के दूरी में हमें इके गाड़ लेबे और मेड़ बनाबे। ठीक हो दीदी। हमें मेड़ के आप ऐसन बनाबे। ठीक हो दीदी। मेड़ कर ऊंचाई 1 फीट रह चाहिए दी। ये देखी दीदी हमें नीके गाढ़ा कोड़बे और आधा किलो धन जीवामृत डालबे। आधा किलो धन जीवामृत में हमें के माटी के मिलाई है। ठीक हो दीदी। अब इकर में हमें एगो पौधा के लगाबे। एक हमें 1.5 फीट कर दूरी नापबे और 1.5 फीट कर दूरी में दूसरा वाला पौधा लगाबे और फिर दूसरा वाला पौधा कर दूरी में फिर 1.5 फीट कर दूरी रखबे। यह लखे जितना भी पौधा लगाबे सब में 1.5 फीट रखे के। हाँ दीदी तो कह रही 15 दिन बादे आवे तो चल कैसन माटी चढ़ाई ले सके बताओ। चल बता थियो क्या करल जाए ले दीदी यार माटी चढ़ाल जाए ले। अच्छा ठीक हो दीदी। सच में दीदी अगर ये पौधा के हम एक नियम से लगाबे तो ये पौधा अच्छा से बढ़ता है और फल फूल भी अच्छा देता है। और से ले सब देखे वालन से आग्रह है कि तोहिन मने भी यह तरीका से पौधा के लगावा और अधिक से अधिक लाभ उठावा। जोहार।